السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما يا رب. اللهم فقهنا في الدين، اللهم من يسلك علما نافيا، رزقا طيبا، عملا متقبلا. اللهم انفعني بما لم تني ولمني ينفعني وزدني علما. So I'm clear, I suppose, and audible enough. جي الحمد لله بالكل كلير. Yes, الحمد لله. Let's begin the 13th session of Golden Stories of Umar ibn Khattab radiallahu anhu. Page number 134. Numbering of the Muslim calendar. The numbering of the Muslim calendar was a key advancement for the Muslim civilization, giving the Muslim nation a unique stamp that distinguished it from other nations. The first person to number the Muslim calendar based on the Hijra, migration of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, was Umar radiallahu anhu. अब आप देखेंगे कि हमें पता था कि कुरान कुरान कंपाइलेशन हमने देखा प्रीवियस चैप्टर्स में कि इट वाज एन इनिशिएटिव ऑफ उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु. द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वाज रिक्वायर्ड कि एक अपना हिजरी कैलेंडर हो बेस्ड ऑन द लूनार कैलेंडर, तो वो भी सुबहान अल्लाह उमर इब्न खत्ताब के थ्रू ही हुआ था. सो आप देखेंगे कि एक जब इफ यू हैव अ राइट पर्सन विद द राइट नॉलेज, विद द राइट इंटेलिजेंस, विद द राइट विजडम, अगर वो राइट पोजिशन पे होता है सुबहान अल्लाह बिइज़्न अल्लाह, तो उससे कितने ज्यादा फायदे होते हैं. अभी जो हम हिजरी कैलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग कितने मुतमईन हैं, हमें पता है कि ये हमारा एक साथ पैरेलल कैलेंडर चल रहा है जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. हमें यानी जस्ट इमेजिन कि अगर हमारे पास सिर्फ ग्रेगेरियन कैलेंडर होता तो क्या हम लोग ये चांद की तारीखें और ये सब हम लोग किस किस तरीके से मैनेज करते हैं. इट वुड हैव बीन सो डिफिकल्ट अयाम अल बीत को कैलकुलेट करना. आई मीन आप देखें तो वी वुड हैव बीन लॉस्ट. As it is, subhanAllah, we see in spite of all the tools being available, हम लोग कितने confused रहते हैं. लेकिन अगर ये हमारे पास बेस नहीं होता तो फिर हम कितने लॉस्ट होते हैं. तो यू सी देर आर सो मेनी रीजंस, देर आर सो मेनी रीजंस subhanAllah, कि वी आर इंडेप्टेड टू ऑल दिस पर्सनैलिटीज. हम जो हैं इनके कर्जदार हैं, हमें इनका शुक्र अदा करना चाहिए, हमें इनके लिए दुआ करनी चाहिए, हमें बहुत इनको एज अ रोल मॉडल और इनके लिए मोहब्बत और इनके लिए बहुत सारी गुड फीलिंग्स रख के आगे चलना चाहिए, क्योंकि इनकी बेहतरीन काम के वजह से, इनकी बेहतरीन फार साइटेडनेस के वजह से हमारी लाइफ जो है वो इजी हुई है. हमें जो दीन को फॉलो करना है, जो हमारी इबादत है, जो हमारा कोर पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस है, दैट हैज बीन मेड पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस टूल्स. इमेजिन एक एक टाइम के लिए आप सोचें कि अगर कुरान ये मसहब की शक्ल में नहीं होता तो हम क्या करते हैं. वैसे ही आप देखें, एक हमारे पास ईजी बुक अवेलेबल है, डिफरेंट डिफरेंट खत में अवेलेबल है, हार्ड कॉपी में अवेलेबल है, डिजिटल कॉपी में अवेलेबल है, ऑडियो फाइल में अवेलेबल है, वीडियो फाइल में अवेलेबल है, येट वी फेल टू कनेक्ट अवर सेल्व्स. इमेजिन अ सिचुएशन कि अगर ये अलग 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 बिखरा होता, अलग अलग जगहों पे होता, अलग फॉर्म्स में होता, कितनी इसके पीछे हमें मेहनत करनी पड़ती जस्ट टू गेट अ करेक्ट फॉर्म इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. सुभान अल्लाह, ऑल दिस थिंग्स वर थॉट so very well thought and subhanallah this was all possible by the izn of allah azza wa jal. Lekin subhanallah, whom did allah choose? Allah chose umar ibn khattab radhiyallahu anhu. Kuch na kuch to baat hogi unme, subhanallah. To ye hijri calendar ki bhi initiation kisne liya tha? Umar ibn khattab radhiyallahu anhu. Every nation or religion dates its calendar based on some important event that defines its citizens or adherents as a people. Christians date their calendar based on what they believe to be the birth date of Isa alayhi salam. Yani har ek major religions ko agar hum le, jaise for example nasaraon ka, Christians ka hum le, to ye calendar kis pe based hai? Ye ek particular event se inki marking shuru hoti hai. To ye Christian calendar ki marking kahan se shuru hui hai? Ye unke belief ke mutabik jo birth date thi Isa alayhi salam ki, us tarikh se इनिशिएट होती है. अरब्स डेटेड द कैलेंडर बेस्ड ऑन द ग्रेट इवेंट्स दैट सराउंडेड द इनफेमस अटेम्प्ट ऑफ अब्राहा टू डिस्ट्रॉय द काबा, एंड पर्शियंस डेट देयर कैलेंडर बेस्ड ऑन द बर्थ डेट ऑफ वेरियस किंग्स. अब जो अरब्स थे ना, उन्होंने अपना कैलेंडर किस तरीके से बेस्ड किया हुआ था, जब अब्राहा, सूरत फील की मैं बात कर रही हूँ, अब्राहा हैड अटेम्प्टेड टू डिस्ट्रॉय काबा, उसको उन लोगों ने बेस बनाया था अपने कैलेंडर के लिए. पर्शियंस ने किस तरीके से अपना बेस डेट बनाया था, ऑन द बर्थ डेट ऑफ वेरियस किंग्स. At any rate, a number of narrations describe significantly different but certainly not conflicting reasons for why Umar radhiyallahu anhu designated year one of the Muslim calendar to be the year during which the Prophet sallallahu alaihi wasallam migrated from Makkah to Medina.
अब उमर इब्न खत्ताब ने जो बेस्ड डेट डिसाइड की थी वो बेस्ड ऑन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरा फ्रॉम मक्का टू मदीना था, और इसके अंदर ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं थे। यानी जो उनकी जो सीनेट होती थी, जो काउंसिल होती थी, जिन जो साहबाज इंपॉर्टेंट साहबाज थे उनसे, यानी उनकी अपनी अपनी ओपिनियन, अपने अपने डिसीजन और अपने अपने सजेशन होते थे, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर ज्यादा मुख्तलिफ राय नहीं थी। सब लोग देवर अग्रींग टू वॉट उमर इब्न खत्ताब हैड अग्रीड अपॉन। मैमून बिन मेहरान रिलेटेड दैट उमर रदिल्लाहु वाज वंस गिवन सम सॉर्ट ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट हुज टर्म्स केम इनटू इफेक्ट इन द मंथ ऑफ शाबान, और इट वाज सम अदर काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट हुज टर्म्स केम इनटू इफेक्ट इन द मंथ ऑफ शाबान। मैमून बिन मेहरान रिलेट करते हैं कि उमर इब्न खत्ताब रदिल्लाहु को एक बार एक बिजनेस डॉक्यूमेंट दिया गया था जिसका इफेक्ट, यानी वो स्टार्ट होना था शाबान से। Since Muslims did not have a calendar by which they dated various events, Umar radhiyallahu anhu had no way of knowing which Shaban the document was referring to. अब चूंकि कैलेंडर नहीं था उस वक्त मौजूद, और फिर ये डॉक्यूमेंट कब से लागू है, कौन सी शाबान से लागू है, उन्हें पता नहीं था। And that is the moment he realized that we are so lost. And so he radhiyallahu anhu said, last Shaban, next Shaban, or the Shaban we are in now. यानी कौन सा शाबान जो गुजर गया है वो, के जो आने वाला है वो, या जो अभी चल रहा है वो। Umar radhiyallahu anhu then gathered the Prophet's companions radhiyallahu anhuma and said to them, establish a system of counting years for the people, a system they will all be familiar with. Jaise hi unko realize hua ki ye bahut bada vacuum hai, bahut bada khala hai, isko bharna padega, isko bharne ke liye fir unhone as usual apne companions ko, apne immediate log jinke upar wo rely karte the, unko collect kiya, unse mashwara kiya, aur fir kaha, instruct kiya, command diya, establish a system of counting years, और उस तरीके से करें, वो तरीका करें जिससे लोग फेमिलियर हैं, ताकि उनके यूज के लिए आसानी हो, उनके समझ के लिए आसानी हो, और उनके डीलिंग्स के अंदर वो इमीडिएटली इंप्लीमेंट किया जाए। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? वी अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू हैव सम सॉर्ट ऑफ फार साइटेडनेस, सम सॉर्ट ऑफ विजडम, सम सॉर्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल। जो हमारे लीडर्स या जो हमारे लोग होते हैं जो एक पर्टिकुलर पोजिशन पे होते हैं, वो पोजिशन कोई भी हो सकती है, घर में हो सकती है, या हमारे छोटे छोटे प्रोफेशनल फ्रंट्स पे हो सकती है, जो भी आपकी पोजीशन पे है सीनियर, वो उतने लायक होने चाहिए, उनके अंदर गौर और फिक्र इतनी होनी चाहिए कि वो कंटिन्यूसली सिस्टम को संवारने के लिए मेहनत करें। जहां पर उन्हें कहीं पर एक खला नजर आता है, ये गैप है हमारे यहाँ पर, ये सोसाइटी में, ये हमारी कम्युनिटी में, ये हमारी फैमिली में, ये हमारे बच्चों में, ये सर्टन कमियां हैं, उस कमी को हम कैसे पूरी कर सकते हैं। स्टेप नंबर टू, अपने जो लोग हैं, इमीडिएट लोग हैं, उनसे सलाह मशवरा किया जाए। स्टेप नंबर थ्री, ऐसा कुछ सिस्टम क्रिएट किया जाए जो यूजर फ्रेंडली हो, जो इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना डिफिकल्ट ना हो कि एक इजी सा सब्जेक्ट है उसको हम डिफिकल्ट करके लोगों के सामने पेश करें। सो ये एक चंद पॉइंटर्स हैं जो मैं आपको हर बार बताना चाहती हूँ, क्योंकि जब तक कि हम ये सारी कहानियों को, जब तक कि ये मॉरल्स को हम हमारी लाइफ में कैसे कनेक्ट करते हैं, अगर हमें वो समझ नहीं लगेगा तो ये सिर्फ एक किस्से कहानियां है, मैं आपको सुना रही हूँ स्टोरी और आप सुन रहे हो और आप घर जा रहे हो और आप भूल रहे हो। बाय घर जा रहे हो आई मीन आप अपने अपनी दुनिया, अपनी जिंदगियों में मशगूल हो जा रहे हो। सो एनीवेज, व्हाट वी अंडरस्टैंड इज, हर चीज का तरीकाकार कब होता है? जब हम कॉन्शियस रहते हैं, हमारे हमारा जो माइंड रहता है ना वो फ्रेश रहता है, वो मेमोरी हमारी अच्छी रहती है, उसके अंदर थिंकिंग कैपेसिटी, रैशनलाइजिंग कैपेसिटी होती है। जब हम ये रोजमर्रा की अननेसेसरी चीजों में उलझे रहेंगे ना, तो ना आपके दिमागों में अच्छी आइडियाज आएगी, ना सजेशंस आएंगे, ना सॉल्यूशंस आएंगे, और ना आपके तरफ से या आपके आपका हिस्सा कोई नेकी में पड़ेगा। तो प्लीज अपने माइंड्स को थोड़ा रिलैक्स रखें, कुरान से कनेक्टेड रखें, तो इंशाल्लाह ताला बिदनिल्लाह अल्लाह ताला विल चूज यू फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क दैट विल हैव एन इंपैक्ट इंशाल्लाह। Someone suggested that they follow the calendar of the Romans, but then another member of the gathering rejected the idea for more than one reason. One of them being that it was too long. Already 600 years had gone by and was thus filled with many years of events that were specific and unique only to the people of a different nation. अब उनकी अलग-अलग राय सामने आ रही है। किसी ने suggest किया कि वो Roman calendar क्यों नहीं इस्तेमाल करते? As it is, वो ready-made है। तो अगले ने कहा, उसने रिजेक्ट किया, और रिजेक्ट करने के बाद उन्होंने अपनी दलील भी पेश की। क्यों रिजेक्ट किया? इसलिए रिजेक्ट किया कि वो बहुत लॉन्ग है और ऑलरेडी उस कैलेंडर के 600 साल गुजर चुके हैं, और उन 600 सालों के अंदर बहुत सारे इवेंट्स जो हैं वो गुजर चुके हैं जो बहुत स्पेसिफिक और यूनिक थे वो डिफरेंट नेशन के लिए। यानी अभी रोमन्स के लिए जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे उन्होंने उसके हिसाब से उसको बनाया है। दैट मे नॉट बी एप्लीकेबल फॉर मुस्लिम्स।
and was thus filled with many years of events that were specific and unique only to the people of a different nation. Someone else suggested that Muslims follow the calendar of the Persians, but others in the gathering protested, saying, every time a new king comes into power, they cancel the dating of the previous calendar and start over from scratch. किसी दूसरे ने सजेस्ट किया कि हम पर्शियंस के कैलेंडर क्यों नहीं इस्तेमाल करते. उनका तरीका कार ऐसा था कि हर रूलिंग किंग जब आता था पावर में तो वो अपना प्रीवियस किंग का कैलेंडर को रिजेक्ट कर देता था. तो एवरी टाइम देयर यूज्ड टू बी अ न्यू कैलेंडर विद द न्यू किंग. तो ये भी एक देखा जाए तो कोई तरीका कार सही नहीं है जो कि लॉन्ग रन में फायदा देगा. वॉन्टिंग एन इवेंट दैट यूनिकली आइडेंटिफाइड मुस्लिम्स एज अ पीपल, दे अग्रीड दैट द मेन टर्निंग पॉइंट इन मुस्लिम हिस्ट्री वाज द माइग्रेशन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अब जब अपनी एक खुद की पहचान बनानी, अपना एक खुद का कैलेंडर एस्टैब्लिश करना है, तो उसके लिए हमें क्या जरूरी है कि हम वो वाला इवेंट जो मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा हो. द माइग्रेशन ऑफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू मदीना वाज दैट इवेंट. एंड सो दे आस्क्ड देमसेल्व्स हाउ मेनी इयर्स ऑफ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिव्ड इन मदीना, एंड द आंसर दे अग्रीड अपॉन वाज 10 इयर्स. Therefore, they made year one of the Muslim calendar the year during which the Prophet sallallahu alaihi wasallam migrated from Makkah to Medina. अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मदीना में 10 साल थे, तो उनके पास बिल्कुल क्लैरिटी थी कि ये जो 10 साल जो इनके मदीना में गुजरे हैं उसको हम बेस मार्क लेंगे. सो द टाइम व्हेन ही माइग्रेटेड, जब वो मदीने में आए थे, वो फर्स्ट ईयर विल बी मार्क्ड एज द फर्स्ट ईयर ऑफ हिजरी कैलेंडर. अकॉर्डिंग टू अनदर नरेशन, उस्मान बिन उबैदुल्लाह रिलेटेड दैट ही हर्ड साइद बिन अल मुसैब से, Umar bin al-Khattab radiallahu anhu gathered the Muhajirun and the Ansars and asked them, based on what criteria should we date the events of our collective history? Ali bin Abi Talib radiallahu anhu said, we should date our calendar from the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam left the land of polytheism. That is the time when the Prophet sallallahu alaihi wasallam migrated from Makkah to Medina. Umar bin al-Khattab radiallahu anhu then decided to date the Muslim calendar based on that event. Dusre narration mein, उस्मान बिन उबैदुल्लाह रिलेट करते हैं कि उन्होंने सईद बिन अल मुसैब से सुना था कि उमर इब्न खत्ताब रदिल्लाहु ने मुहाजिरों और अंसार को सबको गैदर किया और फिर उन्होंने वो इवेंट्स और क्राइटेरिया की डेट्स को कलेक्ट करना शुरू किया. अली रदिल्लाहु ने फिर सजेस्ट किया द सेम थिंग कि हमारा बेस लाइन वहां से शुरू होगा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैंड ऑफ मुशरिक यानी जब उन्होंने मक्का को छोड़ के मदीना में जब हिजरत किए थे, दैट इज द बेस लाइन. तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि उमर इब्न खत्ताब ने उनकी बात को भी एक्सेप्ट करते हुए फिर उसी के ऊपर अपनी डेट लाइन बेस की. इब्न अल मुसैब सेड द फर्स्ट पर्सन टू डेट द मुस्लिम कैलेंडर वाज उमर बिन अल खत्ताब रदिल्लाहु एंड ही रदिल्लाहु डिड सो 2.5 इयर्स आफ्टर ही बिकेम खलीफा. तो हमने ये बिल्कुल अच्छी तरह से हम समझ चुके हैं कि इब्न अल मुसैब भी कह रहे हैं कि जो पहले शख्स थे जिन्होंने मुस्लिम कैलेंडर को मार्क किया वो उमर इब्न अल खत्ताब थे और वो अपनी 2.5 साल उनकी खिलाफत गुजरने के बाद ये किस्सा हुआ था. After consulting, one second please. Mosi want to attend the class. Yep, he does. Bismillah. He's crying. Oh, exactly. After consulting Ali bin Abi Talib on the matter, he first dated the Muslim calendar on the 16th of Muharram. फिर ये पहली बार कौन सा मार्क हुआ था? 16th of Muharram से शुरू हुआ. जो baseline थी वो हिजरा से शुरू हुई, लेकिन जब ये decide हुआ, जो कि 2.5 साल after coming to power, उमर इब्न खत्ताब ने फिर ये 16th of Muharram को first dated Muslim calendar जो है वो मार्क हुआ. Abu Az-Zinad said, regarding the dating of the Muslim calendar, Umar radiallahu anhu consulted the Prophet's companions and they all agreed that the calendar should be based on the Hijra, on the migration of the Prophet sallallahu alaihi wasallam from Makkah to Medina. However, other than dating the Muslim calendar based on the Hijra, there was the issue of why Umar radiallahu anhu chose to make the first month of that calendar Muharram, when in reality Rabiul Awal was actually the month during which the Prophet sallallahu alaihi wasallam completed his migration by arriving in Medina. Ab ek sawal aa raha tha ki hijra calendar to ban raha hai,
लेकिन उमर रदिलानहु ने फर्स्ट मंथ मुहर्रम को क्यों सिलेक्ट किया, जबकि रबी उल अवल वो मंथ था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हिजरा कंप्लीट किया था। तो उसका आंसर क्या होता है? प्रोवाइडिंग एन आंसर टू दिस क्वेश्चन, इब्न हजर मे अल्लाह हैव मर्सी अपॉन हिम रिलेटेड दैट व्हेन उमर रदिलानहु कंसल्टेड द कंपेनियंस रदिलानहुम अबाउट डेटिंग द मुस्लिम कैलेंडर, दे फाउंड दैट दे कुड बेस द बिगिनिंग ऑफ देयर कैलेंडर ऑन फोर इवेंट्स: the birth date of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the month and year during which the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam first received revelation, the migration of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and the month of the year during which the Prophet sallallahu alaihi wasallam died. To abhi Ibn Hajar jo hai wo bata rahe hain ki Umar radhiyallahu anhu jab unhone apne sahabas ko consult kiya dating ke bare mein, to unhone jo companions the unhone kya suggest kiya tha कि कैलेंडर की बेस जो है वो चार चीज़ों के ऊपर स्टार्ट हो सकती है। एक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ डेट। एक, वो वाला मंथ जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरा किए। तीसरा, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही नाजिल हुई थी फर्स्ट। और चौथा, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए थे। दे कंक्लूडेड दैट मुस्लिम्स वुड डिसएग्री अबाउट द एग्जैक्ट डेट ऑफ प्रॉफिट्स बर्थ एंड ऑफ द फर्स्ट टाइम द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसीव रेवलेशन। यानी दो तारीखें जो हैं उसमें कन्फ्यूजन है और लोग डिसएग्री करेंगे, एक तो बर्थ डेट का टाइम और दूसरा जब फर्स्ट वही नाजिल हुई थी, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस हैं। बिसाइड्स दे डिड नॉट वॉन्ट टू बेस देयर कैलेंडर ऑन द डेट ऑफ द प्रॉफिट्स डेथ सिंस दैट वुड अरोज फीलिंग्स ऑफ सैडनेस एंड पेन अमंग मुस्लिम्स। वफात का दिन जो है उसके ऊपर भी वो बेस नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उससे जो है वो थोड़ा सा डिप्रेशन या दुख वाली फीलिंग जो है वो जाग जाती है मुस्लिम्स के दिलों में। एंड सो द ओनली थिंग दैट रिमेन्ड वाज द माइग्रेशन ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्न हजर मे अल्लाह हैव मर्सी ऑन हिम वेंट ऑन टू से दैट दे अग्रीड अपॉन मुहर्रम इंस्टेड ऑफ रबीउल अव्वल बिकॉज द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्स्ट मेड अ फर्म रिजॉल्व टू माइग्रेट टू मदीना इन द मंथ ऑफ मुहर्रम। क्योंकि अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता था कि माइग्रेशन डेट के बारे में वो किया जाए, तो जो सहाबाज हैं उन्होंने कन्फर्म किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माइग्रेशन का जो टाइम या जो वक्त या जो मंथ फिक्स किया था वो मुहर्रम था, और इसीलिए ही दे कंक्लूडेड दैट मुहर्रम शुड बी मार्क्ड एज द फर्स्ट मंथ ऑफ हिजरी कैलेंडर। द सेकेंड प्लेज ऑफ अल अकबा टुक प्लेस इन ज़ुलहिज्जा विच रिप्रेजेंटेड the first stage of the prophet's migration. After the second pledge of al-aqaba took place and after the prophet sallallahu alaihi wasallam made a firm resolve to migrate to Medina, the first new moon that appeared was the new moon of muharram, thus making muharram the appropriate first month of the muslim calendar. Iska jo dusra ek point tha wo ye tha ki jo pehli okay one second there is one more point here जो सेकेंड प्लेज ऑफ अल अकबा हुआ था, हम लोगों ने अर-रहीक अल मख्तूम में ये डिफरेंट प्लेजेस के बारे में पढ़ा था, तो ये इसकी अभी हम ड्यूरेशन के बारे में बात करेंगे। तो जो सेकेंड प्लेज ऑफ अकबा हुई थी वो ज़ुलहज में हुई थी, ज़ुलहिज्जा में। उसके बाद जो फर्स्ट स्टेज ये जो है ये फर्स्ट स्टेज ऑफ माइग्रेशन रिप्रेजेंट करती थी, और सेकेंड प्लेज ऑफ अकबा जो थी वो असर की अजान हो रही, वी नीड टू टेक अ पॉज हियर। ओके, जैसे हम लोगों ने अर-रहीक अल-मख्तूम में पढ़ा था कि जब सेकेंड प्लेज ऑफ अल-अक़बा हुआ था तो फिर एकदम फर्म डिसीजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया था कि उनको माइग्रेट करना है मदीना, और उसके बाद जो फर्स्ट न्यू मून जो अपियर किया था वो था मुहर्रम का चांद, और इसीलिए मुहर्रम इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फर्स्ट मंथ ऑफ मुस्लिम कैलेंडर दैट वॉज डिसाइडेड। Choosing the Hijra as the event upon which Muslims base their calendar was similar to choosing the Adhan as a means of calling Muslims to play prayer. जैसे कि decide हुआ था कि Hijra के लिए Muslims ने एक calendar बनाना है और Hijra was the event that was selected. उसी तरीके से Adhan भी select किया गया था जो कि will be the call of Muslims to prayer. In both cases, Muslims first suggested following the ways of other nations regarding the Adhan. For instance, some Muslims first suggested using a bell to call Muslims. अभी हम लोग देखेंगे कि Adhan call of the prayer, जिसके लिए सुबहानअल्लाह भी हमने pause लिया था, और मैं बता दूं कि अजान और इकामा के बीच में अजान की दुआ पढ़ने के बाद आप बेशक अपनी सिलेक्टेड दुआएं करें,
एंड आई वुड बी वेरी एंशियस एंड क्यूरियस टू नो कि आप लोग क्या दुआ करते हैं. तो इंशाल्लाह ये सेक्शन खत्म होने के बाद हम थोड़ा उस पर डिस्कस करेंगे. और ये जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि हिजरा की इवेंट को क्यों सिलेक्ट किया गया था, हमने उसके बारे में देखे, चार पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए और क्या क्या ओपिनियंस आई थी. उसी तरीके से अदान एज अ कॉल टू प्रेयर डिस्कशन के दौरान भी बहुत सारी जिरा हुई थी. वी विल सी व्हाट वर द पॉइंट्स. तो पहले सजेस्ट किसी ने किया था कि बेल रिंग किया जाए, जैसे क्रिश्चियंस करते हैं आज भी करते हैं, तो बेल का इस्तेमाल किया जाए, बेल टू कॉल मुस्लिम्स टू प्रेयर, अ प्रैक्टिस दैट वाज फॉलोड बाय क्रिश्चियन. एज फॉर द मुस्लिम कैलेंडर, सम मुस्लिम्स फर्स्ट सजेस्टेड फॉलोइंग द कैलेंडर ऑफ द रोमन्स. व्हेन द अज़ान वाज चोजन एज द आइडियल मींस ऑफ कॉलिंग टू पीपल टू प्रेयर, इट बिकेम अ सोर्स ऑफ प्राइड फॉर मुस्लिम्स, अ मींस ऑफ डिस्टिंग्विशिंग देम फ्रॉम द पीपल्स ऑफ अदर नेशन. यानी आप अगर किसी को कॉपी करते हैं तो उसमें आपकी शान होती है, या आप कुछ अपना क्रिएट करते हैं यूनिक, उसमें आपकी ज्यादा शान या प्राइड होती है. वी नो वेरी वेल कि जब हम अपनी एक पहचान करते हैं, अपना एक एलिमेंट, डिस्टिंग्विशिंग एलिमेंट डालते हैं, अपनी क्रिएटिविटी, अपना इनोवेशन, लेट मी नॉट यूज द वर्ड इनोवेशन हियर, बट अपनी एक क्रिएशन हम यूज करते हैं, तो उसमें ज्यादा प्राइड रहती है. जी रीन बोले. जी मुझे एक डाउट है, एक सवाल है. अदान तो प्रॉफेट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से ही था, राइट, बिलाल रदियल्लाहु अन्हु. जी बिल्कुल. ये सिर्फ कंपैरिजन हम कर रहे हैं, ये नहीं कहा कि ये इजाद इस वक्त हुई है. हम कंपेयर कर रहे हैं कि उस वक्त भी इसी तरीके की डिस्कशन थी, क्योंकि अभी देखें कैलेंडर में भी हम लोग रोमन्स को कोई कह रहा है फॉलो कर लो, कोई कह रहा है पर्शियंस को फॉलो कर लो, तो उस वक्त भी इस तरीके की डिस्कशन हुई थी अजान की. ये हम नहीं डिस्कस कर रहे कि अजान उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु ने एस्टैब्लिश की है, नहीं, वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम की है, लेकिन उसमें सिमिलैरिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्कशन थी. ठीक है जी, जज़ाकअल्लाह खैर. सो डिस्कशन में ये हो रहा था कि वो कॉपी करने जा रहे थे कि ये बेल्स का इस्तेमाल किया जाए जस्ट लाइक क्रिश्चियन, लेकिन जब हमने अपनी एक यूनिक अजान एस्टैब्लिश की तो इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड. ओके, एंड देन द सेम वॉज द केस फॉर द मुस्लिम कैलेंडर, बेसिंग इट ऑन द हिजरा वॉज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ प्राइड फॉर मुस्लिम. उसी तरीके से कि अपना एक यूनिक हिजरा एक इवेंट था जो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था, उसको बेसलाइन बना के एक अपना यूनिक कैलेंडर बनाया, तो ये भी एक मोमेंट ऑफ प्राइड था फॉर मुस्लिम्स. एंड इट वाज आल्सो अ मींस बाय विच दे डिस्टिंग्विश देमसेल्व्स फ्रॉम द पीपल ऑफ अदर नेशन. यानी दूसरे लोगों के साथ हम मुख्तलिफ हो गए, हमने अपनी खुद की एक पहचान बनाई बेस्ड ऑन हमारे इवेंट्स एंड बेस्ड ऑन समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. यस रुखसाना, गो अहेड रुखसाना, अनम्यूट योरसेल्फ. Okay, I can't see her anymore. Ruksana? Yes, ma'am. Yes, you have a question? No, ma'am. I could not hear. That's why I was raising a hand, ma'am. Okay. Now it's okay? Thank you. Yes, ma'am. Alhamdulillah. Thank you. Okay, okay. Jazakallah. So, the point is that... फिर हमने जब अपना हिजरी के इवेंट को बेसलाइन बनाकर एक अपना कैलेंडर establish किया, so that is a moment of pride for Muslims because हमने अपनी एक different पहचान बनाई in comparison to the other nation. Through the simple act of establishing a unique Muslim calendar, Umar Radilanu helped promote further unity among Muslims. अभी हम अगर एक अपनी चीज़ है, अपने इवेंट पे बेस्ड है, हमारी तारीखों पे बेस्ड है, तो एक अलग किस्म की ब्रदरहुड भी हो जाती है. You are not copying pasting from anywhere else. You are creating your own, based on your own requirements, based on your own important events. तो उसमें एक अपनापन आ जाता है, ये हमारा स्टाइल है, हमने कहीं से डिपिक नहीं किया. कोई आपको कहीं पर ये नहीं बोल सकता, हाँ, you have taken it from there or you have copied it from here. No. This is unique, my thing, alhamdulillah. So I hold that thing. Hamare haath mein, hamari community ke, hamare events hai. You know that hamarapan is giving rise to a different level of brotherhood. Umar Adilanu is using this opportunity to promote the unity. Okay, and then Muslims were already united by a single religion, by a bond of brotherhood, by a bond that took only faith into consideration and no other factor. No other factors such as skin, color, race or lineage. यानी मुस्लिम्स जो है वैसे ही, सुभानअल्लाह, आप इस चीज़ ब्रदरहुड का आप बहुत बेहतरीन नमूना देखते हैं जब आप सऊदी में जाते हैं, आप उमरा और हज के लिए जाते हैं. आप देखें वहाँ पर कि मुख्तलिफ पूरी दुनिया जहान के डिफरेंट नेशनैलिटीज़, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट स्किन, डिफरेंट रेस, डिफरेंट लीनेज, वो लोग आकर
अल्लाह हू अकबर होती है और सब एक सफ में खड़े हो जाते हैं. सुभान अल्लाह, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग्स दैट आई एंजॉय इन सऊदी, एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी एंजॉयिंग दैट. विद इन 5 मिनट्स और 10 मिनट्स और मैक्सिमम 15 मिनट्स इतना वॉल्यूम ऑफ पीपल एंगेज्ड इन डिफरेंट एक्टिविटीज, लेकिन विद इन 15 मिनट्स कैसी सफ खड़ी हो जाती है. सुभान अल्लाह, सारे के सारे एक ही रब के आगे अपना सर खम करते हैं. दिस इज अ वर्क ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल. हमारे घर में अगर 5, 6, 10, 15 लोग आ जाएं तो हमारा अफरा तफरी मच जाती है. वी कांट ऑर्गेनाइज, वी कांट डू एनीथिंग. सुभान अल्लाह, आप देखें अभी ये हमारे सुभान अल्लाह जो DDOI की क्लासेस चल रही हैं, ऑलमोस्ट 40 टीचर्स, ऑलमोस्ट अप्रॉक्सिमेटली अराउंड 250 to 270 स्टूडेंट्स, एंड हम लोग सुभान अल्लाह द पीपल हु आर इन्वॉल्व नो वेरी वेल हाउ वी आर वर्किंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर. यानी हम कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह की मदद भी आती है, बट देन वी आर नॉट एबल टू ऑर्गेनाइज एनीथिंग. सुभान अल्लाह, एंड वहां पर आप देखें क्या डिसिप्लिन है, क्या कंसिस्टेंसी है, क्या ब्यूटी है, किस तरीके से सफाई होती, किस तरीके से ऑर्गेनाइज होता है, किस तरीके से कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, तवाफ भी हो रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, यानी इट डजंट स्टॉप. सुभान अल्लाह, तो आप देखिए कि दिस इज द ब्रदरहुड, दिस इज द ब्यूटी. ऑल्सो रिमेंबर द लास्ट सरमन, द लास्ट खुतबा ऑफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वेर ही अगेन एम्फसाइज्ड कि कोई भी अजमी जो है वो अरब पे नहीं, और अरब अजमी पे नहीं, काला गोरे पे नहीं, और किस तरीके से उन्होंने औरतों के बारे में ऑल दोज पॉइंट्स इन द लास्ट खुतबा. आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली रिगार्डिंग दिस डिस्क्रिमिनेशन पार्ट. तो ये सब चीज़ें इज अ पार्ट ऑफ इस्लाम, अ पार्ट ऑफ बींग मुस्लिम. जब एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह बंदे ने पढ़ा हुआ है, मुस्लिम है, खलास, यू आर ब्रदर एंड सिस्टर इन फेथ. फिर आप कुछ नहीं देखते, आप किसको तरजीह देते हैं, आप इस्लाम, दीन इस्लाम को तरजीह देते हैं. सुभान अल्लाह, उसी तरीके से ये भी एक मौका था जहां पर इट वाज अगेन रिवाइव्ड इन द माइंड्स एंड हार्ट्स ऑफ द पीपल ऑफ द मुस्लिम्स के ब्रदरहुड फैक्टर है हमारा, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी स्किन कलर, रेस और लिनिएज. दे वर यूनाइटेड बाय अ सिंगल क़िबला, the direction they all faced during prayer, no matter where they were on earth, and now they were also united by the same calendar, subhanallah, by the same means by which they could record the events of their collective and proud history. Yani kitna rich, kitna beautiful, kitna based, kitna documented hai ye hamara deen. We cannot say once upon a time somebody imagined, once upon a time somebody dreamt. No, we have facts and figures, we have evidences, we have proofs, we have witnesses. Subhanallah, hamara religion kisi imagination pe mabni nahi hai. Hamara religion koi kisi ke khayal, kisi ki opinion, kisi ke dream, kisi ki story us pe mabni nahi hai. The more you study it, the more stronger Muslim you will become, and the more proud you will feel ke yes, subhanallah, I am a Muslim, I belong to a religion which has a complete rich history, which has a base, which has a solid foundation, and that foundation makes me a stronger Muslim, provided I know about it. इसीलिए बार बार हम कहते हैं कि religion के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, and no wonder, it is a fundamental obligatory duty for all Muslims to learn about their Rabb, to learn about Nabi sallallahu alaihi wasallam, and to learn about the Deen. ये हमारा तीन fundamental obligatory duty है कि हम इसके बारे में जाने. And let me also connect to कि आप जब कबर में जाते हैं तो तीन सवाल जो हमसे होते हैं वो भी इसी पर ही based है. Who is your Rabb? Okay, and then your religion, and then they show you a reflection of Nabi sallallahu alaihi wasallam, and then they ask you about it. Similar questions. तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? We are trying. Alhamdulillah. We are student of knowledge. May Allah accept it from us. Humbly, we request Allah ki Allah Taala hamein ye deen ki taalim ka jo silsila hai wo jari rakhe. Aur hamare andar wo is tarike se hamare waqt mein aur sehat mein is tarike se hamein ata kare taweel waqt. बरकत दे हमारी सेहत में और वक्त में कि हम ये सिलसिला जारी करें, ना हम परेशान हों, ना हम थकें, ना हम बेजारें, लेकिन हम इसको इंक्रीज करते जाएं. एक्सेप्ट ऑल द चैलेंजेस. One second, guys. There's somebody at the door. Okay. Hit me as I hit you. One day, while Umar radhiyallahu anhu was preoccupied with a matter that affected the general population of Muslims, a man went to him and said, "O leader of the believers, come with me and help me against such and such person, for he has indeed wronged me." एक बार उमर radhiyallahu anhu जो वो अपने मामलात में बिजी थे, तो एक शख्स उनके पास आया और उनसे कहता है कि अमीरुल मोमिनीन, आप मुझे हेल्प करिए, फला फला आदमी का नाम उसने लिया,
उसने मुझ पे जुल्म किया है. He has wronged me. Umar Radhiyallahu Anhu picked up a stick, hit the man on the head with it and then said, You steer clear of Umar Radhiyallahu Anhu when he comes to you offering his help, but then when he becomes busy with the affairs of the Muslims, you come to him. The man then left in an obviously sour mood. Umar Radhiyallahu Anhu ne kya kiya? Unhone ek stick uthai, uske sar pe hit kiya aur unse kaha ke jab main मदद करने वाली पोजीशन में आऊंगा तब मैं आपका मामला हैंडल करूंगा. राइट नाउ मैं अफेयर्स ऑफ मुस्लिम्स के इसमें बिजी हूं. यानी ही वाज नॉट एंगेज्ड, यानी इन ये जो जॉब्स उनकी होती थी ना, व्हेन यू आर एट द टॉप, इमेजिन योरसेल्फ बीइंग द की पर्सन. आपने अपना दिन जो है इस तरीके से सेग्रीगेट किया हुआ है. एक हिस्सा आप अपने फॉर एग्जाम्पल ईमेल्स चेक कर रहे हो. मैं आपको ऐसे बता रही हूँ अभी के हिसाब से, एंड देन वी विल रिलेटेड टू हाउ दीज गाइज यूज टू डू इट. तो वो आप आते साथ पहले अपने ईमेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स एंड ये सब चेक करते हैं, पेंडिंग मेल्स, इंस्ट्रक्शंस, मेमोज एंड थिंग्स लाइक दैट. फिर आप अपना टास्क ऑफ द डे करते हैं, फिर यू हैव अ मीटिंग, देन यू गो एंड अटेंड द मीटिंग, एंड देन फिर आपका एक होता है कि वेर यू आर रिसीविंग पीपल विद देयर ग्रीवियंसिस और व्हाटएवर कंप्लेंट्स दे हैव. तो देर आर डिफरेंट टास्क ड्यूरिंग योर ड्यूटी. सो इफ फॉर एग्जाम्पल यू आर इन अ बोर्ड मीटिंग और उस बोर्ड मीटिंग में आप हो और उसके बीच में कोई अपनी ग्रीवेंसेस लेकर आता है, उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम अलॉटेड है, लेकिन उसके बीच में अगर वो आते हैं तो हाउ वुड यू फील? यू वुड, व्हाट वुड यू डू? यू विल नॉट बी एबल टू डू जस्टिस बिकॉज यू हैव अ डिफरेंट टास्क टू हैंडल देयर, एंड देन देयर इज समबडी कमिंग विद अ जनरल थिंग विच हैज अ स्पेसिफिक अलॉटेड टाइम. तो उसी तरीके से उमर इब्न खत्ताब ने उस बंदे को, यानी ही मेड हिम क्लियर कि जब वो उसका वक्त आएगा तब वो इस अफेयर को सॉल्व करेंगे. राइट नाउ ही इज बिजी विद समथिंग पर्टेनिंग टू द मुस्लिम्स. अब डेफिनेटली वो आदमी एक्सपेक्ट कर रहा था कि इमीडिएट अटेंशन उसको मिले, तो वो निकला एक बड़े खराब से मूड में. उमर रदिलानु देन सेड, कॉल द मैन बैक. फिर उमर रदिलानु ने उस आदमी को दोबारा बुलाया. व्हेन सम ऑफ द उमर्स कंपेनियन ब्रॉट द मैन बैक, उमर रदिलानु सेड टू हिम, टेक होल्ड ऑफ दिस स्टिक एंड हिट मी विद इट जस्ट एज आई डिड टू यू. अभी उमर रदिल्लाहु क्या कह रहे हैं, उस आदमी को वो स्टिक पकड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे उसी तरीके से तुम भी हिट करो जिस तरीके से मैंने तुमको मारा. द मैन रिप्लाइड, नो ओ लीडर ऑफ द बिलीवर्स, आई विल एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग सो फॉर द सेक ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल एंड फॉर यू. अब वो बंदा तो डर गया. वो कैसे, अमीरुल मोमिनीन को स्टिक मारे और सारे सहाबाज और ये मौजूद हैं, ही इज द मैन इन द पावर. उसने कहा नहीं, मैं आपको नहीं मार सकता, अल्लाह की खातिर डेफिनेटली नहीं कर सकता ये काम. में उमर रदिल्लाहु अन्हु से कहा, दैट इज नो गुड, ईदर यू एब्स्टेन फ्रॉम हिटिंग मी फॉर द सेक ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल एंड आउट ऑफ अ डिजायर टू रिसीव हिज रिवॉर्ड्स, और यू डू टू मी व्हाट आई डिड टू यू. वो कहते हैं कि ये सही नहीं है, तुम मुझे मारने से इज्तनाब कर रहे हो अल्लाह की खातिर ताकि तुमको अल्लाह ताला की तरफ से रिवॉर्ड्स मिले, लेकिन आई वॉन्ट यू टू डू व्हाट आई डिड टू यू. द मैन रिप्लाइड, आई विल एब्स्टेन फ्रॉम हिटिंग यू फॉर द सेक ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल. और लीडर ऑफ द बिलीवर्स, अब वो कंफर्म कर रहा है कि मैं सिर्फ अल्लाह की खातिर आपको दोबारा से रिप्लाई विद द हिट नहीं कर रहा हूँ. द मैन देन लेफ्ट. एज फॉर उमर रदिल्लाहु अन्हु, ही रदिल्लाहु अन्हु वॉक्ड बैक टू हिज होम इन द कंपनी ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ मैन, वन ऑफ हुम वाज अल अहनाफ बिन कैस रदिल्लाहु अन्हु. अल अहनाफ रदिल्लाहु अन्हु लेटर रिकाउंटेड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. उमर रदिल्लाहु अन्हु कमेंस्ड हिज प्रेयर, परफॉर्म टू यूनिट्स ऑफ प्रेयर एंड देन सैट डाउन. Al Ahnaf radiyallahu anhu then said to Umar radiyallahu anhu, O Ibn al-Khattab, you were a simple person and then Allah Azza wa Jal raised you. You were a misguided person and then Allah Azza wa Jal guided you. And you were a lowly figure and then Allah Azza wa Jal honored you. After that, Allah Azza wa Jal granted you authority over all Muslims. Then a man came to you seeking out your help. And in response to his appeal for help, you struck him. What will you say to your Lord tomorrow? When you will go to him? Al Ahnaf radiyallahu later said, Umar radiyallahu began to reproach himself so severely that I began to think that he was the best person on earth. What a beautiful story this is. हमने देखा कि हमारे साथ भी ये अक्सर होता है. हम एक काम में बिजी होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कामों में बिजी होते हैं, और अगर कोई हमसे आकर एक कोई अपनी परेशानी या अपनी ग्रीवेंस लेकर आता है और वो बहुत एक छोटी सी पेटी लगती है हमको कि मैं इतना बड़ा काम कर रही हूँ और तुम ये इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट लेकर आ रहे हो मेरे पास, और हम जो है अपनी खुमारी में और अपने बिजी होने के चक्कर में हम लोग जो है रिस्पॉन्ड कर जाते हैं. रिस्पॉन्ड करने के बाद हमें सडनली रियलाइज होता है कि हमने क्या किया, हम
हमने तकब्बुर या हमने घमंड में आकर कोई ऐसे स्टेप तो नहीं ले लिया, हमने किसी का दिल तोड़ दिया, हमारी बात से या हमारे एक्शन से एक मुस्लिम का दिल जो है वो खराब हो गया है, व्हाट डू वी डू देन? सडनली गिल्ट फीलिंग क्रिप्ट्स इन. उसी तरीके से फिर उमर इब्न खत्ताब के दिल में भी उस तरीके से वो फीलिंग आ गई. आप देखें ये कितने ओरिजिनल और कितने रियल हैं, कितने ह्यूमनली हैं, यानी इन लोगों के अंदर कोई अलग से पंख नहीं लगे होते, ये भी हमारे तुम्हारे जैसे ह्यूमन है. सुभान अल्लाह, दे आर ब्लेसड ह्यूमन बींग्स, अल्हम्दुलिल्लाह उनके दर्जात बुलंद हैं, लेकिन वो ह्यूमन बींग ही हैं. तो वो देखें वो छोटी छोटी गलतियां ही करते हैं जैसे हम करते थे. तो उन्होंने क्या किए, उनसे भी वो बोलते ना इन द हीट ऑफ द मोमेंट में वो रिएक्शन उनका हो गया था कि उन्होंने वो स्टिक उसके सर पे मार दी थी, एंड देन उसको ही शूड हिम अवे, उसको कहा कि बाद में आना. अब जैसे ही उनके अंदर वो गिल्टी फीलिंग राजी निकल आई, बिल्कुल आपको पता है ना जो दिल होता है, दिल जो अलाइव दिल होता है, वो दिल के अंदर इमीडिएटली वो जमीर जो है आपका वो आपको कचोड़ता है. वी हैव रेड इन द कुरान इज़न्ट इट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व्स एंड द डिजीज़ ऑफ द हार्ट, कि जब हमारा दिल जो है वो डिजीज फ्री होता है तो उसके अंदर एहसासात बहुत जल्दी पैदा हो जाते हैं, और जो डेड हार्ट होता है वो लोगों का दिल तोड़ें, उनके ऊपर जुल्म करें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. सुभान अल्लाह. तो जैसे ही उन्होंने ये किया, उन्होंने इमीजिएटली फिर इस आदमी को बुलाया और फिर उससे कहा कि मुझे हिट करो. उसने कहा मैं अल्लाह की खातिर नहीं करूंगा. और फिर उन्होंने दोबारा से उसको कंफर्म किया कि तुम अल्लाह से अजर चाहते हो इसलिए मुझे दोबारा हिट नहीं कर रहे हो, या मैं क्योंकि मैन ऑफ पावर हूं मैं तुमको दोबारा हिट करूंगा इसलिए तुम नहीं कर रहे हो. तो उसने क्लैरिफाई किया कि मैं अल्लाह की खातिर आपको दोबारा हिट नहीं करूंगा. मसलन वो आदमी ने अपने लिए एक अच्छा अजर जो है वो बिदनला फिक्स कर दिया. अब अल अहनाफ बिन कैस जो है वो सहाबा, उनके साथ उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ मस्जिद में उस इस किस्से के बाद दाखिल हुए थे. और फिर उन्होंने उमर रदिल्लाहु अन्हु ने क्या किया, उन्होंने दो एक्स्ट्रा रकात पढ़ी और फिर उधर बैठ गए. फिर अल अहनाफ रदिल्लाहु अन्हु ने उनसे कहा कि उमर इब्न खत्ताब तुम एक सादे से इंसान थे, अल्लाह ताला ने तुम्हारे दर्जात बुलंद किए, तुम गुमराह थे, अल्लाह ताला ने तुम्हें हिदायत दी, तुम्हारी कोई भी जैसे कि यू आर नॉट सो फेमस एंड प्रोमिनेंट, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हें इज्जत बख्शी और अल्लाह ताला ने तुमको एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे लेकर आए मुस्लिम्स के सामने. और जब कोई एक आदमी तुम्हारे पास कोई मदद की मदद तवक्को करते हुए पहुंचा तो आपने रिस्पांस में क्या किया, आपने उसको हिट किया, आप अपने रब को क्या कहोगे कल? अब जब ये बातें सुने, वैसे ही वो पछतावे की पोजीशन में थे, वो इतना ज्यादा गिल्टी फील कर रहे थे और इतना ज्यादा अपने आप को यानी सिवियरली अपनी गुनाह की, जिसे हम कहते हैं ना कि मुझसे खता हो गई और माफी मांगो, और इतना उन्होंने रिप्रोच करना शुरू किया. उसके बाद अल अहनाफ रदिल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जब मैंने उनको देखा कि वो किस तरीके से माफी मांग रहे हैं और किस तरीके से पछतावा उनका चल रहा है, तो मुझे ऐसा एहसास होने लगा कि ये बंदा इस फेस ऑफ अर्थ पे बेस्ट बंदा है. यानी सुभान अल्लाह, गलती होती है, हम ह्यूमन है, हमसे गलतियां होती है, हमारे मूड्स, हमारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस, हमारी कैफियत होती है, लेकिन अगर हमसे ये खता इस टाइप की हो जाए कोई मुश्किल नहीं. इमीजिएटली आप उस बंदे के साथ माजरत करें, उससे माफ़ी मांगे, इमीजिएटली अपने अल्लाह रब के सामने तौबा करें, इट इज़ ओके. और अल्लाह ताला को ऐसे बंदे बहुत पसंद है जो गलतियाँ करके दोबारा से अल्लाह की तरफ पलट जाते हैं, तौबा करते हैं और अल्लाह से रजू करते हैं, अल्लाह ताला को वो पसंद है. इन कंपैरिजन टू वो जो कि अपनी नेकियों पे इतना तकब्बुर करते हैं कि आई एम द बेस्ट, मुझसे तो कोई गलतियां होती नहीं, मैं तो मेरे अमाल इज द बेस्ट, ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है. अल्लाह ताला को वो आजीज बंदे पसंद है जो कि उनसे गलतियां हो तो उस गलतियों को एहसास करें, उसका रिपेयर डैमेज करें और अल्लाह ताला से रजू करें, माफी करें, अस्तगफार करें, तौबा करें. This is what we have to pick up. This is how we have to lead our lives. हर आए दिन हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारियां डाली जाएंगी, हमें positions दी जाएंगी. कई बार हम top position पे होंगे, कई बार हम helpers की position पे होंगे. No problem. जिस किसी भी position पे आप हो, आप उसका पूरा पूरा justify करें, अच्छी तरह से करें काम. Angels are recording and Allah is watching. उसको अच्छी तरह से अदा करें. और फिर अगर आप उस कैफियत में हैं, आपका mood खराब है and आपको कुछ You are not in a good shape, you are in pain, you are in distress, कुछ आपकी ऐसी कैफियत है जहन के मुताबिक, यानी आपको ऐसी तकलीफ हो रही है कि you are not in a good frame, आप jolly mood में नहीं हो, और आपसे कोई इस तरीके से आपकी जबान से rude कलेमात निकल जाएं या rude action और arrogant actions हो जाएं, तो आप immediately अपने मामलात इस ही जमीन पर, इस ही जिंदगी में सेटल कर लें, क्योंकि कल को जब वो सेटलमेंट की बात आएगी तब बहुत मुश्किल मामला होगा. मे अल्लाह हेल्प अस कि हम हमारे मामलात
इसी जिंदगी में, इसी हयाती में, यहीं पर ही हम उसको सेटल कर लें जल्द से जल्द, कल का इंतजार ना करें। अगर किसी से कोई गिला शिकवा है, अगर किसी से कोई नाराजगी है, अगर किसी से किसी का दिल आपकी किसी बात से, आपके किसी एक्शन से अगर दुख किसी को पहुंचा है, किसी का दिल अगर टूटा है, तो प्लीज अभी के अभी उसको सेटल कर लें, क्योंकि वहां पर यानी जिंदगी और मौत का तो कोई भरोसा नहीं, आपका आपकी भी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं और अगले की भी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं, सिर्फ अल्लाहु आलम। उससे पहले पहले अपने मामला सेटल कर लें, छोटा बड़ा कोई नहीं होता, बल्कि जो पहली माफी मांगता है वो बड़ा है अल्लाह की नजर में। तो इसमें पहल करें, नो प्रॉब्लम, सेटल योर अकाउंट्स, अपनी ईगो बिल्कुल पीछे रख दें, खत्म कर दें और अपने मामलात को सेटल कर दें इस ही दुनिया में, इसी हयाती में, इसी जिंदगी में। कल को जब सारे स्टेजेस हम कवर करके आगे पहुंचेंगे, एंड देयर इज अ स्टेशन ऑफ कंतरा, वहां पर जब आपको मामलात, जन्नत आपको दिख रही होगी, आप एंटर करने वाले हैं और वहां पर आपके मामलात जो हैं वो आपको रोकेंगे। इमेजिन दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब नेकियां सफर लाजिम नौजबिल्ला नहीं होंगी और आप क्या देके आप अपने आप को, अपनी जान और अपनी गर्दनों को छुड़ाएंगे। ये छोटी छोटी हकीर चीजों के लिए जन्नत का सौदा बहुत नुकसानदायक होगा। तो प्लीज अभी के अभी इसको सॉल्व कर लें, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। अगर किसी से नाराजगी है, बातचीत बंद है, सलाम दुआ कर लें, खत्म करें, अपने दिलों को साफ करें, बिकम अ गुड मुस्लिम। आपकी सेहत के लिए अच्छा है, आपको अच्छी नींद आएगी, आपको बहुत हल्का फील होगा, एंड कल जब आप सुबह उठोगे सबको माफ करके, यू विल बी अ बेटर पर्सन इंशाल्लाह। If you have any questions, please, you can discuss now. And we'll be ending the session then. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yes, Abdullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah khair. Bahut din ho gaya hum jaane ke the. थोड़ी मसूफियत की वजह से। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन थैंक यू जी। बहुत दुआओं की जरूरत है इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबके मामलात को सॉल्व करे और हमें जो है ना एक सुकून और अच्छी वाली जिंदगी दे जिसमें हम दीन जो है ना उसको, इल्म को हासिल करें और उसको फैलाएं और अच्छे से हमारी जिंदगी गुजारे ताकि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। यार इंशाल्लाह मैं दो तीन बातों का डिस्कशन करूंगी इंशाल्लाह। श्योर, गो अहेड। हमारी खाला जान का वफात हो गया है, अल्लाह ताला से सब दुआ करें इंशाल्लाह मगफिरत की, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहया मिनहुम वल अमवात, आमीन या रब, आमीन वाजमईन या रब। जी माशाल्लाह इस रूम में जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमारे हमें दीन के दीन में पुख्तगी अता फरमाए, अल्लाह ताला आमीन वाजमईन या रब। अल्हम्दुलिल्लाह और हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो रिपेंट किया है छोटी सी बात के लिए, और वो पोजीशन में भी थे अपने ओहदे में, तो इसीलिए अल्लाह के सबसे ज्यादा डर इनके दिल में, इनके अल्लाह से डरने वाले कहा गया उनको, सुभान अल्लाह। और इसी तरह उनको जो रिमाइंड किया था कि तुम पहले ऐसे थे, बाद में अल्लाह ने आपको इस तरह का पोजीशन दिया, तो इस तरह का अगर किसी को हम कहते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, कि कोई भी पोजीशन में हो तुम ऐसा बोलेगा क्या मुझे, बोलके उसे कुछ ये करेगा। तो अगर उमर ने ऐसा नहीं किया तो सुभान अल्लाह, इसीलिए हमें भी डेयरनेस चाहिए कि किसी को इस तरह कहने की, अच्छे से बात रिमाइंड कराने की, अगर कोई इंसान आगे वाला है तो इस तरह नेग्लिजेंस करने वाला, तो हमारे हमारे अंदर भी वो हिम्मत लानी चाहिए कि हम उसको रिमाइंड करवाएं बिज़्निल्लाह, अल्लाह की खातिर, चाहे वो कुछ भी समझे, ये बात हमें लाना है। राइट और एक बात क्या है कि ये हिजरी कैलेंडर के बारे में आपने बताया, सुभान अल्लाह, हिजरी कैलेंडर के बारे में तो बहुत से हम में से कोई नहीं जानता उसके महीने क्या हैं, क्या वो की क्या है कि कुछ भी नहीं जानते। 12 महीने के अल्लाह ताला ने जब से दुनिया बनाए 12 महीने बनाए उसके नाम है सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी उसका फॉलो करना चाहिए कि अब अरबिक महीना इनके को कौन सा है, हिजरी कैलेंडर का कितना डेट है, कौन सा महीना है, हाँ अय्याम बैत कब है, तो इंशाल्लाह हम में से बहुत से लोगों को नहीं पता, तो इंशाल्लाह इसका भी इंशाल्लाह हम एहतियात करेंगे, अल्लाह ताला कबूल करे, आमीन या रब।
एक्चुअली अगर जिधर जिस चीज के लिए हमारी तड़प होगी ना, उस चीज के लिए हमारा ध्यान उस तरफ डेफिनेटली जाएगा और हम उसको प्रायोरिटाइज करेंगे. मसलन अभी आईफोन यूजर्स जो है ना, मैं उनको एक टिप देती हूँ जो कि मैं भी यूज करती हूँ, कि बहुत सारे एप्स हैं, बहुत सारे एंड्रॉयड में भी, सैमसंग में भी, आईफोन में भी, यू कैन डाउनलोड हिजरी कैलेंडर एंड हिजरी डेट्स आपके रिफ्लेक्ट होगी. तो प्लीज डू दैट. जैसे कि अभी रबीउल थानी की 16 है, हमें झटके से पता होना चाहिए हमारी नजर ग्रेगरियन कैलेंडर से पहले इस डेट पे पड़नी चाहिए. एंड हम इसकी तरफ जितना इसको प्रायोरिटाइज करेंगे, इंपॉर्टेंस देंगे, उतना हमारे लिए अच्छा है, ताकि हमें पता हो कि कब है आयाम अलबीद, कब है कौन सी चांद की तारीख, क्या है क्या नहीं, व्हाट आर दी इवेंट्स, व्हाट आर दी हैपनिंग्स फॉर दिस मंथ, कौन से मंथ में क्या उसकी इंपॉर्टेंस है. तो अभी हमें उसको उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा. जनवरी फरवरी सेकेंड एंड मुहर्रम एंड सफर ऑन द टॉप. सो आई होप इसकी नॉलेज भी हम लोग अभी इसकी इंपॉर्टेंस भी अल्हम्दुलिल्लाह समझ रहे हैं. जी नाजिया बोले. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दैट एवरी टाइम आई हियर योर लेक्चर अल्हम्दुलिल्लाह आई गेट समथिंग और द अदर सम सॉल्यूशन और द अदर दैट इज एक्चुअली हैपनिंग इन माय प्रैक्टिकल लाइफ. बारकल्लाह फी. या अल्हम्दुलिल्लाह. सो फ्रॉम योर लेक्चर्स तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू कि ऑफकोर्स आप जरिया हो, बट अल्लाह ताला ने ये लेक्चर्स सुनने से भी काफी सारी चीजें प्रॉब्लम सॉल्व होती है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लाइफ में तो कम से कम. एंड आई वांटेड टू आस्क यू वन थिंग. जैसे कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को यानी किसी ने रियलाइज कराया कि ऐसा ऐसा है, तो आपने एक पर्सन की बात को मतलब अहमियत नहीं दी, समथिंग लाइक दैट. तो रिसेंटली ऐसा कुछ हो गया था कि मेरी जो इस्लामिक टीचर है, मैंने उनसे कुछ चीजें कही, बिकॉज ऐसा लग रहा था कि काफी चीजें वो कह रही है कि यू आर नॉट डूइंग दिस, यू आर नॉट डूइंग दिस. तो फिर वो उनकी लैंग्वेज भी चेंज हो रही थी, यू नो, मतलब थोड़ा जैसे यू हैव टू समटाइम्स यू हैव टू कन्वे समथिंग कि आप ये करो, लेकिन इट वॉज लुकिंग लाइक फोर्स. तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे ये बुरा लग रहा है, बिकॉज बहुत कंटिन्यूसली हो रहा था. तो आई थिंक कि उस वजह से शी हैज टेकन इट पर्सनली और उन्हें बुरा लग गया. तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू आस्क यू कि फिर हम क्या और क्या तरीका अपना सकते हैं इन दिस प्रैक्टिकल लाइफ, कि आजकल एक दूसरे को बुरा लग जाता है कभी हम कुछ अपनी क्लैरिफिकेशन करने जा रहे हैं तो रिलेशंस कभी इस Right, I got it, Nazia. Balki tumhara question and jazaki Allah khair for all your good words. And I would only say ke Allah ki zaat hai jo insano ko hidayat pahunchane ka zariya banate hain. Aur kaise taise Allah Taala will communicate to you what you require. Aapne Allah se talab ki, Allah Taala zariya banate hain. Allahumma la tu'akhizni bima yaquluna waghfir lima la ya'lamun waj'alni khayra mimma yazunun. By the way, this is a dua, जो अगर आपको प्रेस करे कोई तो आपने ये दुआ पढ़नी है. एंड इट इज उमर इब्न खताब्स दुआ बेसिकली. इट सेज के या अल्लाह, दिस पीपल डोंट नो, डोंट टेक मी इनटू अकाउंट फॉर व्हाट दिस पीपल टेल अबाउट मी, एंड मेक मी बेटर देन व्हाट, हाउ मच डू दे थिंक अबाउट मी, एंड फॉरगिव ऑल ऑफ अस. सुभान अल्लाह, इट्स अ ब्यूटीफुल दुआ. मैंने बहुत बार ग्रुप में डाली है. आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल हैव एक्चुअली नोटेड इट डाउन एंड मेमोराइज्ड इट. If you have not done it, please do it. To answer your question, basically, I know what you are saying and I have been through all this, and I'm sure many of the sisters have been through all this. Chahe wo teacher ka aur student ka rishta ho, ya husband and wife ka ho, ya mother ka ho, ya mother-in-law ka ho, ya aapas mein friends ya best friends ka ho, ya siblings ka ho. Kai baar log bahut touchy ho jate hain. Yani wo itne sensitive rehte hain ki aapne unko agar normal casual kuch baat bhi bol di to wo bahut bura maan jate hain. Kabhi अगर अभी जैसे बड़े औहदे पे हैं, मसलन टीचर या मदर इन लॉ या पेरेंट्स या स्पाउस, अगर आपने उनको कुछ एक रेक्टिफाई करने के लिए भी आपने कुछ कहा, आपने अपने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया, तो रादर देन टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि आप ओपनली एक अपनी कैफियत बयान कर रहे हो, उसको पॉजिटिवली लेने के बजाय वो बहुत पर्सनल ले लेते हैं और वो अपनी इंसल्ट समझ लेते हैं, वो अपने ईगो को डैमेज करवा देते हैं आपकी बातों से. इसका नंबर वन रूल ये है कि यू शुड नो हाउ टू कम्युनिकेट, how much to communicate, when to communicate. ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ. यू शुड नो हाउ मच टू कम्युनिकेट, वेन टू कम्युनिकेट, वॉट टू कम्युनिकेट एंड हाउ टू कम्युनिकेट. इसमें आप स्ट्रेट होंगे. कई बार कई लोग जो अपराइट और स्ट्रेट और ऑनेस्ट होते हैं उनको रूड समझा जाता है, तो इसीलिए कई बार वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं. जैसे अभी आपके स्टूडेंट्स, आपके क्लासमेट्स में 10 लोग होंगे जो उनकी तारीफ कर रहे हैं, एक है जिसने माइंड किया, तो वो बिल्कुल खुल के सामने आ जाएगा कि ये मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं.
और मैं एक बात बता दूं कि जो दीन असल जिनके अंदर आता है ना, सुभान अल्लाह, उनके अंदर आजीजी आती है, उनके अंदर वो मैं पना खत्म हो जाता है कि इतनी मजाल मुझे कहा नहीं, वो कहते हैं मैं गलत हूँ, आई विल इमीजिएटली रेक्टिफाई माई सेल्फ। देखिए आप उमर इब्न खत्ताब का किस्सा पर हमने जो अभी बुक हम कर रहे हैं, और उससे पहले हमने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की बुक की थी, वो हर जगह पे एक छोटे से छोटे लोग जिनकी कोई पोजिशन नहीं होती थी, कोई बिदून, कोई ऐसी नॉर्मल लेमैन आके उनसे सवाल करते हैं, उनके गिरबान पकड़ते हैं, उनको खींचते, लेकिन वो कभी भी they never lose their cool, they will rectify their mistakes, they will give importance to their talks. उसी तरीके से वो वाला जो टॉलरेंस है, वो वाला जो पेशेंस है, वो अभी बहुत कम हो गया है, और ख़ास तौर से जब हम दीन सिखाने के काम में आते हैं, ठीक है, हम बोलते कुछ है और हमारे अमल में कुछ और आता है, हमें बहुत केयरफुल होना पड़ता है, क्योंकि आपकी ज़्यादा पकड़ है। यू हैव टू प्रैक्टिस वॉट यू प्रीच। जब हम सबर की बात कर रहे हैं, जब हम टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, तो हमें अपने अंदर वो टॉलरेंस, वो सबर पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपके डिपेंडेंट्स हैं, जो आपके बच्चे हैं, वो आपकी बातें नहीं, आपके अमल से सीख रहे होते हैं। तो लाजमी है कि दैट इज़ वॉट इज एक्सपेक्टेड ऑफ अ टीचर, कि अगर कोई स्टूडेंट कोई एक्सप्रेस कर रहा है पॉइंट, तो लाजमी है द टीचर शुड टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। लेकिन अगर ये नहीं हुआ है, तो व्हाट आई वुड सजेस्ट टू यू इज, नंबर वन, मेक लॉर्ड्स ऑफ दुआ टू अल्लाह अज़्ज़ा वजल, मेक अस्तग़फार एंड गो एंड सीक फॉरगिवनेस फ्रॉम योर टीचर ऑल्सो, कि अगर उनके दिल में कोई बात बुरी लगी है, वो भले आपकी बात सही होगी, बट वी शुड नेवर फॉरगेट कि इफ समबडी इज ट्राइंग टू बी इम्पेशेंट, यू हैव टू बिकम अ बेटर मुस्लिम। तो आप उनसे भी माजरत करें, अल्लाह से भी दुआ करें, अस्तग़फार करें, बट दैट शुडंट स्टॉप यू फ्रॉम कम्युनिकेटिंग योर सेल्फ, बट यू शुड नो हाउ टू कम्युनिकेट, वेन टू कम्युनिकेट, वॉट टू कम्युनिकेट एंड हाउ मच टू कम्युनिकेट। So I hope that helps you, Anazia. Ji, ji. Alhamdulillah, jazakallah khair. Wayaki. Give her a gift. Yes, cook something for her. Unka favorite dish bana. Just go and give her a hug. Just go and give her a hug. Okay. Give her a smile. Tell her, that's it. I felt it and I wanted to express it. You know, relationship ko achhe tarah se develop karein. Aap hai na, har kisi rishte ke andar na, ek friendship create karein. That helps a lot. आपके मदर के साथ, आपके हस्बैंड के साथ, आपके भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप एक रिस्पेक्ट बना के रखें, लेकिन वो एक फ्रेंडशिप ज़रूर क्रिएट करें, एंड उसका बहुत फ़ायदा होता है कि जब हमारा कम्युनिकेशन ओपन हो जाता है, जब हमारे बीच में वो बैरियर्स जो होते हैं ना, वो आइस ब्रेक कर लेते हैं ना जब हम, फिर वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट टू ईच अदर, तो वो जो फायर वॉल्स है ना, उसको ब्रेक कर दें। जी जी, इंशाल्लाह। ठीक है, मे अल्लाह help you to heal your relationship with your teacher. Yes, I have already asked forgiveness from her. मैंने उनको कहा कि अगर आपको कुछ बुरा लगा तो I'm sorry. जी जी, जैसे आप कह रही थी relations को better करने के लिए कुछ खाना या sweet या ऐसे कुछ, you know, just to make things better. सी शैतान जो है ना, शैतान का काम है कि वो आपके दिलों के अंदर पॉइजन और नेगेटिविटी पैदा करे। उसका काम है रिलेशन खराब हो, उसका काम है दिलों के अंदर डिस्टेंस आए, उसका काम है कि इल्म हुसूल और इल्म लेना देने का सिलसिला खत्म हो जाए। उसको इसके इरादे में जीतने नहीं देना, कुछ भी करना, अपने ईगो को खत्म कर देना, लेकिन उसको उसके इरादे में जीतने नहीं देना। अभी आपके सामने एक और एक एग्जाम्पल है, लाइक डॉक्टर सफीना एनाय, माशाल्लाह शी हैज गॉट अमेजिंग नॉलेज, आई हैव nothing in comparison to her, lekin jab bhi hum kya kehte hain, whenever we are in a common room, agar kuch hota hai unke memory ke hisab se ya unke pronunciation ke hisab se, if she goes somewhere here and there, immediately I will intervene and puri class ke samne I will tell her, and she will take it very sportingly, mashallah she takes it very beautifully, people have to learn that from her, seriously the way she takes it, and immediately waqt padega to wo apologize bhi karti hai, she'll get back in another class and she'll say ki mujhse ye galat hua tha and Nasreen had pointed this out, yeah it can go the other way around also, hum ek ek nukte ke upar bahut hafte upar hum discussion karte rehte hain, hamari arguments, healthy arguments or debates chalti hain, because maybe she is following another scholar's opinion, I am following another school of thoughts, hum bahut healthy discussion karte hain, aur hamari koshish ye nahi hoti hai ki wo meri baat se razi ho jaye ya main unki बात से राजी हो जाऊं, या हम एक कॉमन ओपिनियन पे आ जाएं। अगर कॉमन ओपिनियन पे आ गए हैं तो ठीक है, अगर हमारी राय अलग है, वी एक्सेप्ट ईच अदर्स डिफरेंसेस, वी डोंट टेक इट के अरे उसकी ये मजाल के उसने मुझे कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह वी टॉक वेरी क्लियरली। और इसी तरीके का तर्ज अमल अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मेरी मदर के साथ है, मेरा मेरे हस्बैंड के साथ है, मेरा मेरे इन-लॉज के साथ है, और आई एम श्योर पीपल हु हैव अंडरस्टूड, या जिसके ऊपर अल्लाह की खास मेहरबानी है, जिनके पास आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन आ जाए ना, सुभान अल्लाह,
that person is a winner, subhanallah. तो उस चीज की बहुत दुआ करें कि अल्लाह ताला हमको उस तरह की हिकमत दे कि हम सही बात सही जगह पे करें. यस अफशान. और एक चीज नाजिया, आप ये करें कि आपकी टीचर जो सिखाती है आपको उनसे क्या फायदा हुआ वो भी जरूर बताएं. अप्रिशिएट द वर्क शी इज डूइंग, इससे भी दिल नर्म होते हैं. उनको लगता है ठीक है, वो जब उनको नाराजगी होगी तो मे बी शी वॉज नॉट इन अ वेरी गुड मूड, उनका दिन उस दिन अच्छा नहीं था होगा. तो जब हम इस तरह हो जाता है ना, इमिडिएटली हमको भी पता है कि अच्छा नहीं, वहाँ बिटरनेस आ गई है. तो उस रिश्ते को सही करने के लिए आप उनकी अच्छाइयाँ भी उनको बताएं. आप अंदर जो अच्छाइयाँ हैं और आप उनसे किस तरह फायदा उठा रहे हैं, आपको किस तरह उनके सिखाने से आपकी लाइफ में क्या फायदा हो रहा है, डेफिनेटली या फिर वो चीज को चेंज करेगा. अल्हम्दुलिल्लाह. This yeah. is amazing. Yes, exactly. Guys, I have another meeting. Can I just close the meeting? Inshallah, we will discuss tomorrow. Okay? Inshallah. Okay. Yes, exactly. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.